कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, इसके लिए हम इस फाइल को क्लोज करते हैं और पुरानी फाइल पर आ जाते हैं। ठीक है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू यानी हमारी जो टेबल है हम चाहते हैं कि उस टेबल को सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें, मतलब सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर हमने क्लिक किया। अब कन्वर्ट करने के बाद में जो डेटा हमारे सामने आएगा वो कैसा होना चाहिए, मतलब पैराग्राफ वाइज होना चाहिए। तो हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया और ओके, तो सारा जो डेटा है देखिए पैराग्राफ वाइज कन्वर्ट होकर आ गया। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, ये सारे हेडिंग एक पैराग्राफ में हो गए हैं। उसके बाद जितने भी एंट्रीज हैं वो सारे दूसरे पैराग्राफ में आ चुके हैं। ठीक है, फिर से चलते हैं लेआउट टैब, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है टैब। टैब पर अगर हमने टैब को अगर हमने एक्टिव रखा है और ओके किया तो सारा डेटा टेबल के अकॉर्डिंग ही अरेंज्ड होगा, मतलब कि हर एक टेक्स्ट के बाद में टैब से स्पेस देकर डेटा को अरेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो टेबल थी वो टेबल हट चुकी है, सिंपल सा टेक्स्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कॉमा। कॉमा सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो जितना भी डेटा है वो कॉमा से सेपरेट होकर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, सीरियल नंबर कॉमा, स्टूडेंट नेम कॉमा, मतलब सारे जो सेल्स का डेटा था वो कॉमा से सेपरेट करके आ गया है। कंट्रोल जेड। और नेक्स्ट है कन्वर्ट टू टेक्स्ट में अदर। अदर का मतलब हमारा जो डेटा है वो हम किस सिंबल से सेपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे कि यहाँ पर ले लिया है डैश और ओके, तो जितना भी डेटा था वो सारा सिंपल टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ गया है और प्रत्येक सेल के डेटा को अलग अलग डैश के द्वारा सेपरेट कर दिया गया है। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट में हम अपने टेबल के डेटा को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पर उसके लिए कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, जैसे पैराग्राफ में कन्वर्ट करके रखना है, टैब के द्वारा सेपरेट करना है, कॉमा के द्वारा सेपरेट करना है, या फिर और किसी सिंबल के द्वारा सेपरेट करना है। तो जो भी हम चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करके हम ओके कर देते हैं तो वैसे ही डेटा टेबल से कन्वर्ट होकर एक सिंपल सा टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को एक्टिव कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद।